अजीज तलबा असलकुम कोर्स कोड 682 एट टू के जिस यूनिट के बारे में आज हम बात करेंगे उसका नाम है स्पीच ट्रेनिंग मटीरियल्स या स्पीच टेस्ट मटीरियल्स यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि ये स्पीच टेस्ट्स हैं स्पीच टेस्ट दो किस्म के हो सकते हैं क्या आप किसी इंसान की एक्सप्रेसिव एबिलिटीज़ के बारे में मैयर करना चाहते हैं कि वो किस तरीके से अदा करता है या वो किस ना किस ना किसी बात को समझ सकता है जिसको रिसेप्टिव लैंग्वेजिलिटीज कहते हैं रिसेप्टिव स्पीच एबिलिटीज कहा जाता है मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी बच्चे की आर्टिकुलेशन या उसके तलफ़ की मैरमेंट करना है तो मुझे जिस टेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा उसको मैं कहता हूँ आर्टिकुलेशन टेस्ट अब आर्टिकुलेशन टेस्ट में आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक बुक है जिसके अंदर मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं और ये मुख्तलिफ पिक्चर्स किसी सीक्वेंस के तहत किसी लॉजिक के तहत इस तरह के तरीके से तरतीब दी गई इसको आर्टिकुलेशन टेस्ट कहते हैं बच्चा जब इसको देखेगा तो वो पिक्चर्स को देख कर पहचानेगा कि ये क्या चीज़ है ये आम है तो उसका एक्सप्रेशन मेरे पास आया मैंने उसकी स्पीच को एवेलुएट किया इसको आर्टिकुलेशन टेस्ट कहते हैं बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास लैंग्वेज कार्ड्स होते हैं लैंग्वेज कार्ड्स क्या चीज़ें हैं ये ऐसे कार्ड्स हैं जिसके ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं मिसाल के तौर पर ये टीथ नाउ दिस टीथ शोज़ कि मैं बच्चे की वकेबलरी चेक करता हूँ कि क्या वो टीथ को आइडेंटिफाई करता है और उनको नाम ले सकता है कि नहीं ये मेरे पास हैंड्स हैं हाथों की तस्वीरें मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या बच्चा जो है वो इसको पहचानता है और क्या इसको अदा कर सकता है या नहीं कर सकता ये एक्सप्रेसिव एबिलिटीज को चेक करने का एक तरीकाकार है रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स या जो जिसमें बात समझने के साथ जिसका ताल्लुक है रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स डिपेंड करती हैं उस बच्चे की एज पर मिसाल के तौर पर अगर छोटे बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स हैं आपने चेक करनी है तो अच्छा यही होगा कि इन कार्स के बजाय आप चंद टॉयज का सहारा ले लीजिए मिसाल के तौर पर ये क्या है ये मेरे हाथ में गुड़ी है जो छोटी एज का बच्चा होगा वो इस डॉल को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगा बनस्बत इसके कि वो इसको रिस्पॉन्ड करेगा उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जाएगा बच्चे का एज ग्रुप थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं बच्चे को अगर खाली ये भी दिखाऊंगा तो वो बच्चा यहाँ से रीड आउट इसको कर तो उसके लिए शायद ये विजुअल क्लू इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये जो रिटर्न क्लू उसको नजर आ रहा है वो उसको भी रिस्पॉन्ड करेगा लिहाजा एक चीज़ हमने इस्टेब्लिश की कि बच्चे की एज को जरूर अपने सामने रखिए कि आप किस बच्चे की किस लैंग्वेजबिलिटी को किस एज में मैयर करना चाहते हैं लिहाजा ये स्पीच टेस्ट की एक एग्जाम्पल होगी स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट ये ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें हम बच्चे की एबिलिटीज़ बच्चे की स्पीच डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटीज़ को अपने सामने जांचते हैं और मैयर करते हैं मिसाल के तौर पर मैं देखना चाहूँगा कि क्या मेरा बच्चा जो है वो डियर और डेयर में फ़र्क कर सकता है कि नहीं मैं ये देखना चाहूँगा कि वो पेयर और पेयर में फ़र्क कर सकता है कि नहीं लिहाजा ये तमाम एलिमेंट्स ये डिटरमिन करने के लिए मुझे मुख्तलिफ किस्म के टूल्स का सहारा लेना पड़ता है ये टूल्स स्पीच टेस्ट कहलाते हैं जिनके बारे में आज हम देखेंगे मैंने आपको आर्टिकुलेशन कार्ड्स के बारे में बताया और लैंग्वेज कार्ड्स के बारे में बताया ये उसकी स्पीच वर्बल आउटपुट को चेक करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि उस बच्चे की हेयरिंग सेंसिटिविटी अल्फाज के लिए कि वो किस अल्फाज को किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करता है डियर में ई वावल को डेयर के ए वॉवल से फ़र्क कर सकता है डियर और डेयर में फ़र्क निकाल सकता है फियर और फेयर में क्या उसको फ़र्क सुनाई देता है ये उसकी ऑडिट्री डिस्क्रिमिनेशन कहलाएंगे लिहाज़ा आपके इस कोड में मौजूद इन तमाम टेस्ट को समझाने के लिए इस सेशन की ब्रीफिंग जो है वो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं स्पीच टेस्ट मटेरियल बच्चे के सामने दो तरीके से प्रेजेंट किए जा सकते हैं या तो वो लाइव फॉर्म में जैसा कि मैं आपसे मुखातिब हूँ या तो वो लाइव फॉर्म में प्रेजेंट किए जाते हैं या वो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रेजेंट किए जाते हैं मिसाल के तौर पर पहले से मैं रिकॉर्ड करके रख लूँ एक बच्चे को बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी एक बच्चे को डॉग की आवाज़ सुनाई दी एक बच्चे को एरोप्लेन की आवाज़ ये सारे रिकॉर्डेड मटेरियल्स हैं लेकिन अगर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो लाइव एक्सपीरियंस हो तो उसमें मैं बच्चे को बोलूँगा कैट काव डॉग और यही चीज़ें अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाएंगी तो इन दोनों की जो नेचर है उसमें थोड़ी सी एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं मिसाल के तौर पर अगर लाइव कम्युनिकेट करता हूँ मैं अपने बच्चे के साथ तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स शामिल हैं मिसाल के तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट आज मेरा मूड कैसा है मैं कितना ज़्यादा आज मैं डिस्ट्रेस uh, में हूँ क्या मैं प्लेजेंट अपीरेंस uh, uh, के साथ आज अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ क्या मैं uh, अच्छे माहौल में बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ एग्जैक्टली मेरा फ्रेम ऑफ माइंड मेरे ऊपर प्रेशर्स एनवायरनमेंट के अंदर साउंड बच्चे का रिस्पांस ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए पॉजिटिव भी जा सकती हैं और नेगेटिव भी जा सकती हैं मिसाल के पर मैं हूँ तो बहुत अच्छा प्रोफेशनल लेकिन आज मेरा मूड ठीक नहीं है तो मेरा मूड मेरे टेस्ट अप्लाई करने के ऊपर अफेक्ट करेगा बच्चा ठीक है बच्चा को ऑपरेट करता है लेकिन बच्चा आज को ऑपरेट नहीं कर पा रहा तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं आज फ्लेक्सिबल भी हूँ कि मैं बच्चे के मूड के तहत अपनी आज की परफॉर्मेंस को तब्दील कर सकता हूँ एक्जैक्टली exactly. अगर यही चीज़ अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाए और बच्चे को मैं जो उसका मैंने ऑडिटरी एक्सपीरियंस देना है वो मैं उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में सुनाना शुरू कर दूँ मेरे पास कैसेट प्लेयर भी है उस कैसेट के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है कैट डॉग बॉल फ़ैन ये सारे एक्सपीरियंसेस रिकॉर्डेड हैं प्री रिकॉर्डेड हैं अगर मैं प्री रिकॉर्डेड एक्सपीरियंसेस बच्चे को सुनाऊंगा तो इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं एडवांटेज क्या है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैंने वो सारा कुछ एक ही फ्रेम ऑफ माइंड के साथ रिकॉर्ड किया होता है उसमें कम से कम डिस्ट्रैक्शंस में मैं उसकी रिकॉर्डिंग करता हूँ वगैरह 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 लेकिन डिसएडवांटेज क्या है डिसएडवानटेज ये है कि मैंने वहाँ उसको प्ले तो कर दिया लेकिन मेरा बच्चा मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा मैंने उसको वहाँ पे प्ले तो कर दिया लेकिन मेरा बच्चा तो रोए चला जा रहा है तो वो तो टेस्ट चलता रहेगा वो टेस्ट चलता रहेगा चाहे बच्चे का जैसा भी रिस्पॉन्स है तो लाइव फॉर्म में कम से कम ये ज़रूर होता है कि मैं अपने बच्चे को उसकी इन्वालमेंट को अपने सामने रखते हुए टेस्ट को अप्लाई करता चला जाता हूँ जो रिकॉर्डेड फॉर्म की एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कबाहत है वो ये है कि वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी तो नहीं करता और यही उसकी पॉजिटिवनेस भी है और यही उसकी नेगेटिविटी भी है कि सिचुएशन टू सिचुएशन वो अप्लाई नहीं किया जा सकता और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी रिकॉर्डिंग टूल्स होते हैं फॉर एग्जांपल ऑडिट्री डबिंग कैसी हुई है आपकी आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कैसी हुई है अब आप जब उसको रीप्ले कर रहे हैं तो उस वक़्त आपके इक्विपमेंट की सिचुएशन कैसी है बिजली का इनपुट कैसा है वगैरह 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 जो कि एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर सकते हैं लिहाजा टेस्ट मटीरियल अप्लाई किए जा सकते हैं बोथ लाइव एंड रिकॉर्डेड एंड बोथ हैविंग सम एडवाटेज एंड डिसएडवांटेजेस जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए इट इज़ इट विल नाट बी ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि प्री रिकॉर्डेड ज़्यादा बेहतर है या लाइव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन दोनों की अपने अपने पैरामीटर्स हैं विच आर बोथ यूज़फुल एंड डिसएडवानटेज एट टाइम अब मैं उन चंद टेस्ट के बारे में आपके साथ जिक्र करूंगा जो कि आपकी किताब में मौजूद हैं इसमें जो सबसे पहला स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट आपकी बुक में प्रेजेंट किया गया है उसका नाम है कैंडल टॉय टेस्ट कैंडल टॉय टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि ऐसे बच्चों के लिए अप्लाई किया गया जाता है जिनकी उम्र दो साल से ज़्यादा होती है अब जरा जहन पर ज़ोर दीजिए और मुझे बताइए कि क्या उनके लिए हम पिक्चर कार्ड का इस्तेमाल करेंगे रिटर्न टेक्स का इस्तेमाल करेंगे या टॉयज़ का इस्तेमाल करेंगे तो जैसा कि नाम से है इसका नाम है कैंडल टॉय टेस्ट तो यहाँ पर इस टेस्ट के लिए जो स्टूमलस यूज़ करेंगे वो टॉयज़ होंगे जैसा कि ये एक टॉय है जैसा कि हमारे पास ये एक टॉय है क्योंकि एज ग्रुप जिस बच्चे के लिए है वो छोटा एज ग्रुप है दो साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चे हैं तो ना तो वो पढ़ सकते हैं ना तो वो लिख सकते हैं हाँ वो इन टॉय से ज़रूर फैसिनेट होते हैं कलरफुल्स आपको नजर आ रहे हैं आपको इं, इंटरेस्ट नज़र आ रहा है बच्चे का लिहाजा वो इन टेस्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं करना क्या होता है बच्चे ने करना सिंपल सी चीज़ होती है हमारे पास ये क्लाउन है और ये हमारे पास डॉल है मैं कहूँगा क्लाउन उठा दो बच्चा मुझे क्लाउन उठा देगा मैं कहूँगा डॉल उठा दो बच्चा मुझे डॉल उठा देगा यहाँ पर मेरा जो स्टूमलस उसको देना है वो ऑडिट्री इनपुट मैंने कहा लफ्स डॉल तो बच्चे ने डॉल का लफ्ज़ सुना और उसके नतीजे में रिस्पोंड किया और उसने मुझे एक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया ये 12 टॉयज़ पर टेस्ट होता है और ये ऐसा टेस्ट है जो कि बच्चे की लिसनिंग एबिलिटीज को मैयर करता है और हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वो स्पीच को किस कदर डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। अजीज तलबा जैसा कि मैंने आपको पिछले टेस्ट में बताया कि एज के साथ इसका रेलेवेंस टेस्ट का ज़रूर होता है ये बात याद में रखिएगा कि जो टेस्ट आपकी बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं और इन में इनका बेसिक्स एक ही है चाहे वो आप फॉर एग्जांपल ये जो टेस्ट जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये लाइव टेस्ट्स हैं जो ऐसे टेस्ट हैं जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा तो हूँ ये रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल नहीं है एग्जैक्टली exactly जो हमारे पास अगला टेस्ट है उसका नाम भी कुछ ऐसा ही है उसका नाम है टॉय डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट और मैकॉर्मिक ने यह बनाया था अब मैकॉर्मिक ने क्या किया था मैकॉर्मिक ने चौदह टॉयज़ का एक ऐसा मजमु इकट्ठा किया था मिसाल के तौर पर जैसे कि उसने इस तरह के दो लफ्ज़ इकट्ठे किए जैसे कि ये एक मेरे पास डियर है और एक मेरे पास मेयर है अब डियर और मेयर इन में दोनों में मुशाबत है और बच्चे का काम ये था कि उसने आवाज़ को सुनना था और इनमें से किसी एक टॉय को देखकर पॉइंट आउट कर कर उठा कर टच कर कर रिप्रेजेंट करना था कि मैंने ये आवाज़ सुनी है यहाँ पर एक चीज़ समझने के साथ ताल्लुक रखती है कि यहाँ पर बच्चे का एक्सप्रेशन मुझे नहीं चाहिए बच्चा मुझे बोल के बेशक ना बताए ये आपके बच्चे की परफॉर्मेंस मैं कैसे जज करूँगा खाली उसके देखने से खाली उसके पॉइंट आउट करने से तो मेकॉर्मिक टेस्ट या टॉय डिस्क्रमिनेशन मैकॉर्मिक टेस्ट जो है ये भी इसी तरीके से फनीटिक सिमिलैरिटीज़ वाले टॉयज़ को इकट्ठा करना और बच्चे को प्रजेंट करना और उसकी वेलुएशन करना अजीज़ तलबा अब तक हमने जिन टेस्ट के बारे में की उनमें टॉयज़ का इस्तेमाल था क्योंकि वो छोटे एज ग्रुप के साथ था अब हम थोड़े से ऊपर वाले लेवल पर आ गए अब हमने यहाँ पर देखा कि बच्चा जो है टॉयज से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है अब वो पिक्चर्स को भी समझ लेता है पिक्चर रिकोगगनीशन में भी उसमें आ गई अब फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में मैंशन है रीड पिक्चर टेस्ट अब रीड रीड पिक्चर टेस्ट में क्या होता है कि अब हम बच्चे को एक्चुअली पिक्चर्स दिखाते हैं जैसे आई आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स जैसे मेरे पास ये कार्ड है अब इसके ऊपर एक पिक्चर है इसके ऊपर फूल लिखा नहीं हो ये असल में फूल नहीं है ये एक पिक्चर है जो रिप्रेजेंट करती है फूल को सो so ये एक पिक्चर रीडिंग हो जा आ जाएगी बच्चे को अगर ये इस फूल को उस फूल से रिलेट कर लेगा तो रीड पिक्चर टेस्ट भी ऐसे कार्ड्स पर मुश्तमिल इंफॉर्मेशन होती है जो के बच्चे ने आइडेंटिफाई करने होते हैं मिसाल के तौर पर इसमें इसकी जो खसूसियत है वो ये है कि इसमें बेसिक वावल वही रहता है लेकिन कॉन्सोनेंट्स इसमें तब्दील हो जाते हैं मिसाल के तौर पर फूल वूल स्टूल फूल अब ये चार एग्जांपल्स पर गौर कीजिए फूल वूल स्टूल और फूल अब इन तमाम एग्जांपल्स में फूल के लफ्स में फे की आवाज़ है फूल के लफ्स में फे की आवाज़ है स्टूल में एस और टी का ब्लेंड है लिहाजा हमने ये देखा कि शुरू और आखिर ये वाले कॉन्सोनेंट्स जो थे ये तो बदलते गए लेकिन जो बीच वाला वॉवल था वो अपनी जगह पर कॉन्सटेंट रहता अब बच्चे ने इसी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करना होता है कि क्या मैंने फूल बोला है या मैंने वूल बोला है मैंने स्टूल बोला है या मैंने फूल बोला है और बच्चे ने वो वाला स्पेसिफिक कार्ड उठा के मुझे देना होता है मुझे पता चल जाता है कि मेरे बच्चे के डिस्क्रिमिनेटिंग उसने? उसने उठाकर मुझे बोला नहीं है और इसका मतलब ये भी आप छोटे बच्चों के साथ ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं जिनको पिक्चर रीडिंग का लेवल अचीव हो गया अजीज तलबा हमारे टेस्ट में मौजूद जो अगला टेस्ट है उसका नाम है वेपमैन ऑडिट्री डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट या इसको पेयर्ड वॉबल टेस्ट भी बोला जाता है वेपमैन ने ये टेस्ट डिज़ाइन किया था और अगेन जो चीज़ इसके नाम पे अगर आप गौर करें तो ये वेप ऑडिटरी टेस्ट है बच्चे की ऑडिटरी एबिलिटीज उसकी स्पीच उसकी स्पीच डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको हम एवेलुएट करते हैं यहाँ पर इसका भी कुछ एसेंस ऐसा ही है लेकिन ये वो पहली स्टेज है जिसमें बच्चे को हम स्टूमल सिर्फ आवाज़ का दे रहे हैं और बच्चे ने उसके नतीजे में मुझे जवाब भी आवाज़ के साथ देना आप ये खुद से अंदाजा लगा लीजिए कि इन बच्चों का एज लेवल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ये वो बच्चे होंगे जो कि बात कर भी सकते होंगे मिसाल के तौर पर इस टेस्ट में जरा कंप्लेक्सिटी ज्यादा होती है बच्चे की जो ऑडिटरी डिस्क्रमिनेशन एबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी रिफाइन हो जानी चाहिए तब ये टेस्ट अप्लाई होता है मिसाल के तौर पर रेड को बेड से डिस्क्रिमिनेट करना अगर मैं बच्चे को बोलूंगा रेड एंड बेड एंड वेड और अगर मैं बच्चे से कहूँ कि मैंने क्या बोला है तो बच्चे ने डिस्क्रिमिनेट करना है कि मैंने कौन सा लफ्ज़ बोला है दिस इज़ अ वेरी स्पेशलाइज टेस्ट और अगेन इट नीड्स लॉट्स ऑफ एक्सपर्टीज़ प्रोफेशनल के ऊपर भी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए और बच्चे की भी उतनी स्किल ज़रूर डेवलप हो जानी चाहिए कि वो इन आवाज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर सकें या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि ये एक ऐसा लिस्ट ऑफ़ वर्ड्स है। ये एक ऐसा लिस्ट ऑफ वर्ड्स है इस ये टेस्ट अब किस चीज़ पर मुश्तमिल होगा इसमें टॉयज नहीं होंगे इज इज़ अ जस्ट लिस्ट ऑफ वर्ड जो कि प्रोफेशनल ने बोलने हैं बच्चे ने डिस्क्रमिनेट करने और रिस्पॉन्ड करना है वर्बली तो दिस वेपमेन ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट इट इज़ कॉल्ड एज ए पेयर्ड टेस्ट हमारी किताब में मौजूद जो अगले दो टेस्ट हैं उनका नाम है मानचेस्टर पिक्चर टेस्ट और मानचेस्टर वर्ड लिस्ट अब जैसा कि नाम से जाहिर है जो मानचेस्टर पिक्चर टेस्ट होगा ये उन बच्चों के लिए इस्तेमाल होगा जिनकी स्पोकन एबिलिटीज़ अच्छी नहीं है और वर्ड लिस्ट मानचेस्टर वर्ड लिस्ट ऐसे बच्चों के लिए होगा जिनके की स्पोकन एबिलिटीज़ आ गई हैं और जो रिपीट कर सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखने वाली है अज़ीज़ तलबा वो ये है कि स्पीच टेस्ट कोई भी हों चाहे वो वर्बल लेवल के हों या चाहे नॉन वर्बल लेवल के हों आपका बेसिक असेसमेंट ऑफ टूल्स हैं आपने बच्चे की जिस एबिलिटी को अवेलुएट करना है उसके मुताबिक आप टेस्ट की सिलेक्शन करते हैं टेस्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया इंतहाई सिंपल है बच्चे की एज को मद्देनज़र नज़र रखें बच्चे के रिस्पांस को थोड़ा सा अंदाज़ा कर लें कि उसका रिस्पांस किस किस्म का होगा नंबर थ्री आपके टेस्ट की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और नंबर चार के आपका टेस्ट किस चीज़ को एड्रेस करता है रिलायबिलिटी एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मिसाल के तौर पर जितने भी हमने टेस्ट अप्लाई किए ये सारे के सारे आ, आ, टेस्ट जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं हमारे पास ये टेस्ट अप्लाई नहीं होते क्यों इसलिए कि इनकी वकीबलरी जो इस्तेमाल की